160cc सेगमेंट में सबसे पावरफुल बाइक TVS Apache RTR1604V का आज मैं आप लोगों को फुल इंजेक्शन मॉडल दिखाने वाला हूँ। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप कार्बोरेटेड मॉडल से फुल इंजेक्शन मॉडल की कंपैरिजन करें तो यहाँ पे तीन मेजर डिफरेंसेस निकल कर आता है। और यहाँ पे अगर हम प्राइस डिफरेंसेस की बात करें तो ड्यूअल डिस्क मॉडल से FI मॉडल अराउंड 8000 रुपीस आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, यानी कि 8000 रुपीस ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और दोस्तों यहाँ पे अभी तक इस बाइक का BS6 नहीं आया है, अभी तक ये BS4 है और BS6 यहाँ पे जल्द ही आने वाला है और काफ़ी सारे अपग्रेड्स के साथ इसका BS6 आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे थे बंगाल राइडर एंड मैं हूँ आपका होस्ट अरिजीत। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के द बंगाल राइडर फैमिली से जुड़ जाइए। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट चेंज जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वो ये है कि कार्बोरेटेड मॉडल के 35x35 वाट का हैलोजन हेडलैम्प को हटा के यहाँ पे ज़्यादा वाट का यानी कि 60x55 वाट का H4 हैलोजन बल्ब दिया गया है। और यहाँ पे नेक्स्ट जो बड़े चेंज आपको मिलेगा वो मीटर कंसोल में है। यहाँ पे आपको इंजन मैलफंक्शन लाइट के साथ साथ गियर पोजिशन इंडिकेटर मिलेगा जो कि आपको कार्बोरेटेड मॉडल के मीटर कंसोल में नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप इसका जो अगर कलर देखते हैं तो कार्बोरेटेड मॉडल में आपको ऑरेंज बैकलिट मिलेगा लेकिन FI मॉडल में आपको व्हाइट कलर के बैकलिट इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलेंगे। थर्ड अगर हम चेंज की बात करें तो यहाँ पे इंजन में 0.3 PS का पावर बम्प हुआ है, मतलब 0.3 PS आपको ज़्यादा पावर यहाँ पे देखने को मिलेगा। वैसे दोस्तों इसके अलावा और कोई भी यहाँ पे चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ उसमें कार्बोरेटर है और इसमें आपको फ्यूल इंजेक्शन मिलेगा। फ्रंट में आप देख सकते हैं एक बहुत ही शानदार किस्म का हेडलैम्प लगाया गया है और RTR 200 से ये हेडलैम्प इंस्पायर्ड है। आपको इसमें पोजिशन LED DRLs मिलेगा और फिक्स टाइप साइड इंडिकेटर्स मिल जाएंगे क्लियर लेंस वाला। यहाँ पे अगर कनेक्शन की बात करें तो DC कनेक्शन पे काम करता है और हेडलाइट बहुत ही डिसेंट है, स्प्रेड भी काफ़ी अच्छा है। TVS हमेशा से ही बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्विच गियर यूज़ करता है और यहाँ पे ब्रेक और क्लच लिवर्स की अगर हम बात करें तो ये मेटल कोटेड है। स्ट्रेट पाइप टाइप हैंडल बार है ताकि आप कंफर्टेबली यहाँ पे बैठ सके। और यहाँ पे अगर हम मिरर्स की बात करें तो मिरर्स भी काफ़ी डिसेंट है। मीटर कंसोल की अगर बात करें दोस्तों तो मीटर कंसोल बहुत ही एक रेस इंस्पायर्ड मीटर कंसोल, यहाँ पे आपको और वाइट बैकलिट डिस्प्ले के साथ गियर पोजिशन इंडिकेटर, टाइम, लैप टाइमर, स्पीड, ट्विन ट्रिप मीटर्स, टोटल किलोमीटर्स, RPM इंडिकेटर, फ्यूल इंडिकेशन, ऐसे बहुत सारे इंडिकेशंस देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। इसके अलावा आपको ABS इंडिकेटर मिलेगा, टॉप स्पीड रिकॉर्डर मिलेगा और यहाँ पे शॉर्टेस्ट जो 0-60 टाइमिंग है वो भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इंजन मैलफंक्शन लाइट, लो फ्यूल इंडिकेशन जैसे इंडिकेशंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि मीटर कंसोल की अगर हम बात करें तो मीटर कंसोल यहाँ पे फुल्ली लोडेड है और जितने भी सारे इन्फॉर्मेशन हो सकता है इस सेगमेंट की बाइक में ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अब अगर हम टैंक की बात करें तो टैंक यहाँ पे बहुत ही मस्कुलर टाइप का दिया गया है और 12 लीटर्स का इसका कैपेसिटी है। टैंक में आप श्राउड्स देख सकते हैं और एक ऑफसेट फुल टैंक कैप आपको देखने को मिलेगा। चेकर्ड फ्लैग ग्राफिक्स का यूज हुआ है साइड पर और यहाँ पे हॉर्स लोगो मिलेगा, TVS का 3D लोगो और रेड कलर के स्ट्राइप आपको टैंक के ऊपर देखने को मिलेगा। साइड्स अगर हम बात करें तो बहुत ही एक मस्कुलर किस्म का लुक आपको देखने को मिलेगा। साइड की अगर हम बात करें तो TVS Apache का ब्रांडिंग आपको साइड पैनल पे यहाँ पे मिल जाएगा जहाँ पर Apache लिखा हुआ है और बहुत सारे फेक एयर वेंट्स बहुत सारी जगहों पर दिया गया है। सीट की अगर हम बात करें दोस्तों तो सीट यहाँ पे स्टेप टाइप सीट से और यूनिबॉडी सीट यहाँ पे यूज़ किया है पिलियन कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए। और दोस्तों अगर हम FI की बात करें तो FI आने से और भी बेटर थ्रॉटल रिस्पॉन्स आपको मिलेगा और बेटर माइलेज भी आपको आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। माइलेज जो आपको 164V के कार्बोरेटर मॉडल में मिलता है उससे लगभग 2-3 किलोमीटर आपको ज़्यादा FI मॉडल में मिल सकता है। पीछे आपको स्प्लिट ग्रैब हैंडल मिलेगा और LED बैक लैंप मिलेगा, बहुत ही अच्छे किस्म का, दूर से बहुत ही एक ज़बरदस्त लुक दे देता है। और साइड इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो साइड इंडिकेटर्स यहाँ पे क्लियर लेंस फिक्स टाइप का है। इंडिया की फ्लैग का एक छोटा सा स्टिकर आपको लगभग सारे Apache गाड़ियों में मिल जाता है। और यहाँ पे अगर हम इंजन की बात करें दोस्तों तो इंजन यहाँ पे एक सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक ऑयल कूल्ड 4-वाल्व 159.7 cc का फुल इंजेक्टेड इंजन है और इसमें अच्छी बात है कि फुल इंजेक्शन होने के बावजूद भी किक स्टार्ट का ऑप्शन दिया गया है।
16.8 PS power at 8000 RPM और 14.8 Newton meters torque at 6500 RPM दिया गया है। बहुत ही अच्छे पिकअप है जैसे कि अपाची बाइक में हमेशा से होता है और इसमें ऑयल कूल्ड कंबशन चैम्बर और रैम एयर रेसिस्ट का टेक्नोलॉजी दिया गया है जो कि लगभग 10 डिग्री तक इंजन ठंडा रखने में मदद करता है और बहुत ही एक रेसिंग सिंक्रो स्टिफ शैसी का यूज़ हुआ है जो कि लगभग रेसिंग बाइक्स में यूज़ होता है और 0 to 60 किलोमीटर्स ये लगभग 4.5 सेकेंड में पकड़ सकता है। नीचे आप देख सकते हैं एक इंजन काउल दिया गया है हाइपर एज लिखा हुआ जो कि आपको एक बहुत ही अच्छी तरह का रेसिंग बाइक का फील दे देगा। इंजन बहुत ही यहाँ पे पेपी दिया गया है। टेलीस्कोपिक फॉर्क आते हैं फ्रंट पर विथ फॉर्क गार्ड्स ताकि धूल मिट्टी के जो स्प्लैशेज होते हैं कीचड़ जो छींटे पड़ते हैं उससे बचा देता है और फ्रंट और रियर दोनों ही तरफ 17 इंचेस के ट्यूबलेस टायर्स यूज़ किए गए हैं। आपको यहाँ पे सुपर मोटो ABS यानी कि सिंगल चैनल ABS देख मिल जाएगा और पेटल डिस्क ब्रेक फ्रंट में यूज़ हुआ है 270 mm का। फ्रंट में जो टायर आपको मिलेगा दोस्तों वो 90x90 साइज का ट्यूबलेस टायर है और ये TVS के खुद का मैन्युफैक्चर किया हुआ TVS रिमोरा टायर्स यूज़ किया गया है। पेटल डिस्क आपको नॉर्मल डिस्क से बेटर हीट डिसिपेशन में और बेटर कूलिंग ऑफ में मदद करता है। पीछे आपको वर्ल्ड रिनाउंड ब्रांड शोआ द्वारा रेस ट्यून्ड मोनो एडजस्टेबल मोनो सस्पेंशन मिल जाएगा जिसको आप 5 से 7 बार एडजस्ट कर सकते हैं। पीछे की टायर आपको 130x70 साइज का 17 इंच का टायर मिलेगा और पीछे 200 mm का पेटल डिस्क मिल जाएगा। FI मॉडल में आपको ड्यूल डिस्क ही मिलता है। इसके अलावा अगर हम साइलेंसर की बात करें तो अपलिफ्टेड मशीन गन स्टाइल का ड्यूल बैरल साइलेंसर यहाँ पे यूज़ किया गया है जिसका जो एग्जॉस्ट नोट है साउंड है वो बहुत ही अच्छी किस्म का है तो आपको एक रेसिंग वाला फील दे देगा। दोस्तों इसके अलावा अगर हम कर्ब वेट की बात करें तो 149 kg का यहाँ पे कर्ब वेट है। 5 गियर्स इसमें दिए गए हैं और अगर हम व्हील बेस की बात करें तो 1357 mm का बहुत बड़े व्हील बेस दिया गया है जो बेटर स्टेबिलिटी दे देता है। माइलेज की दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको लगभग 45 से लेकर 48 किलोमीटर्स तक मिल सकता है क्योंकि FI बाइक है तो माइलेज यहाँ पे काफ़ी डिसेंट आपको मिल जाएगा एज़ कम्पेयर टू कार्बोरेटेड मॉडल्स। सीट हाइट की अगर हम बात करें तो 800 mm का यहाँ पे सीट हाइट है ताकि शॉर्टर हाइट के राइडर्स भी इसको चला सके और ग्राउंड क्लियरेंस एक बहुत ही अच्छा 180 mm का दिया गया है ताकि इंडियन रोड्स में किसी भी स्पीड ब्रेकर से टकराने का डर ना रहे। ऑफसेट फ्यूल कैंप फ्यूल टैंक जो है ये आपको एक बेटर रेसिंग फील दे देता है। दोस्तों अगर हम मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस यहाँ पे वैसे तो ज़्यादा नहीं है लेकिन TVS के जो स्पेयर पार्ट्स आते हैं वो थोड़े से ज़्यादा महंगे आते हैं दूसरे ब्रांड से तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। दोस्तों अगर हम एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो कोलकाता में एक्स शोरूम प्राइस 1.04 लाख है और अगर आप एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर आपके नियरेस्ट TVS डीलर से संपर्क कर सकते हैं। अगर हम कंपटीशन की बात करें तो NS160 अपाची का खुद का जो 160 cc का बाइक है स्टैंडर्ड अपाची 2 valve और FZ जैसे बाइकों से इसका कंपैरिजन है, हॉर्नेट से भी इसका कंपैरिजन है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग और आगे हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। राइड सेफ़।